ह्यूस्टन में नहीं हूँ, बेंगलुरु में हूँ। गौरी लंकेश निरंतरा, गौरी लंकेश निरंतरा, ये आज मैंने थोड़ी सी कन्नड़ सीख ली। इंदिरा जी, आपकी बेटी के नाम से पुरस्कार ले रहा हूँ। जिंदगी में कभी कोई गलती हो जाए मुझसे तो मुझे अपना बच्चा समझकर माफ़ कर दीजिएगा। इस हॉल में मौजूद आप सभी बहुत अच्छे लोग हैं। एक पत्रकार की याद में आप जमा हुए हैं। आपको नहीं पता कि आपने कितना बड़ा काम किया है आज यहाँ आकर, मेरे सम्मान के लिए नहीं, एक पत्रकार की याद में आप सब जमा हुए हैं। मैं भारत के जिस हिस्से से आता हूँ, जिसको हम लोग लूजली एंड लार्जली नॉर्थ इंडिया कहते हैं, व्हेन पुण्य प्रसून वाजपेयी हैड टू लीव हिज ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन अभिसार शर्मा वाज फोर्स्ड टू लीव हिज ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन अजीत अंजुम वाज forced to leave his news organization, no one came, no one stood up, लेकिन आप आए हैं, आपने अपना वक्त निकाला है। उस समाज में जहाँ लोग बच्चा नौजवान जर्नलिस्ट बनना चाहता है, उस समाज के लोग चुप हो गए। उस वक्त उनकी हिंदी काम नहीं आई, जिस वक्त हिंदी का पत्रकार हुकूमत के इशारे पर निकाल कर सड़क पर फेंक दिया गया। इसलिए जब कोई उत्तर से हिंदी के नाम पर आपको डराए तो डरिए मत, क्योंकि डराने वालों में, क्योंकि हिंदी के नाम पर बाकी हिंदुस्तान को डराने वालों ने हिंदी को बुजदिल बना दिया है। वो सिर्फ हिंदी बोलने वाले को डराना चाहते, और चूंकि वो हिंदी बोलने वाले को डरा चुके हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि वो कन्नड़ बोलने वाले को, तेलुगु बोलने वाले को, मलयाली बोलने वाले को भी डरा सकते हैं। उनका हौसला बढ़ गया है, इसलिए आपको हिंदी को लेकर ऊंची होती आवाज़ से डरना नहीं है, बल्कि आपको उस हिंदी के लिए कंपैशन होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए, जिसके बोलने वाले नेताओं ने उसकी जनता का हाल बहुत बुरा कर रखा है। उसके पास हिंदी के लोगों को हिंदी में बताने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वो कन्नड़ के लोगों को, मलयालम के लोगों को, तेलुगु के लोगों को, कोंकणी के लोगों को हिंदी के नाम पे डराता है। तो डरिएगा नहीं, आप सबको चिंता करनी चाहिए कि हिंदी प्रदेशों के साथ बहुत धोखा हुआ। हिंदी प्रदेश जिन्हें आप मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, बिहार के नाम से जानते हैं, उन हिंदी प्रदेशों में एक भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसे लेकर हिंदी प्रदेश का कोई नौजवान सर उठाकर चल सके।
इसलिए उस हिंदी प्रदेश में जो नौजवान पैदा होता है वो स्कूल पास करने से पहले अपना सामान पैक करने शुरू कर देता है कि अब वो किस और राज्य में जाएगा पढ़ाई करने के लिए। वो लगातार हिंदी प्रदेश से भाग रहा है, भगाया जा रहा है उन नौजवानों को, बहुत तकलीफ में है, उनके पास कुछ भी नहीं है हिंदी के अलावा। इसलिए उनसे नाराज होने की ज़रूरत नहीं है, उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, वो खाली बर्तन हैं, गूंज रहे हैं, इसे डरिएगा नहीं। ये ज़रूर हुआ है कि जी एन देवी साहब ने अभी कहा कि हम सबको अपने भीतर रिफॉर्म करना पड़ेगा, हम सब ने अपने भीतर डेमोक्रेटिक वर्चुज़ को प्रैक्टिस नहीं किया, उसको रिफॉर्म नहीं किया। हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते 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 खुद भी खोखले हो चुके हैं, हमारा मोरल पावर, नैतिक बल बहुत कमज़ोर हो गया है। हम जिस विपक्ष के सहारे लोकतंत्र की उम्मीद करते हैं, आप उनके राजनीतिक दलों के भीतर देखिए तो कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कोई डेमोक्रेसी का प्रोसेस नहीं है, उनके भीतर कोई मोरल पावर नहीं है, उनके नेता में नैतिक बल नहीं है, जिस नैतिक बल के सहारे गांधी नोआखली में जब पत्थर फेंके जा रहे थे उन पर, जब उन पे ह्यूमन स्क्रिशिया फेंका जा रहा था, तब वो अकेले चल रहे थे क्योंकि गांधी के पास नैतिक बल था। समाज जब वहशी हो गया था, हिंदू और मुसलमान दोनों मामूली अफवाहों के दम पर एक दूसरे को मारने लगे थे, तो उसके बीच में गांधी नोआखली में अपने नैतिक बल के दम पर चल रहे थे, जहां मुसलमान हिंदू को मार रहे थे, और फिर वो बिहार आते हैं जहां हिंदू मुसलमान को मार रहे थे। और उस दौर में गांधी ये कहने की हिम्मत रखते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं सिख हूँ, मैं पारसी हूँ, मैं मुसलमान भी हूँ। आज कोई नहीं कह सकता, आज वो नाटक के तौर पे भी नहीं कह सकता, क्योंकि उसका दिमाग सुन्न हो गया है, वो गांधी से बहुत दूर जा चुका है, उसके भीतर अनैतिकताएं, इमोरलिटी इतनी ज़्यादा जमा हो गई हैं कि वो अब आपको कोई राजनीतिक विकल्प, लोकतांत्रिक सोच नहीं दे सकता है। इसलिए विकल्प अगर आना है तो आपके भीतर से आएगा, वरना नहीं आएगा। आपको अपने भीतर लीडर पैदा करना पड़ेगा। उन राजनीतिक दलों ने हार मान ली है, इसलिए हमने अपने भीतर की लोकतांत्रिकता का को इन्वोक करना पड़ेगा, उससे खुद को आज़ाद होना पड़ेगा, वरना हम कभी भी डेमोक्रेसी के आइडियल्स को, उसके आदर्श को, उसके मूल्यों को लागू नहीं कर पाएंगे। उसके नाम पर हम सिर्फ एक राजनीतिक दल को हटाने का अभियान चलाएंगे और फिर उसकी जगह आने वाले लोग उसी तरह की लूटपाट करते रहेंगे। इस प्रोसेस को इतिहास में हम सबको एक मौका दिया है, एक चुनौती दी है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्या हम ऐसा कर पाएंगे। हम उस दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बहुत तरह की झूठ हमने लोकतंत्र के नाम पर लाद ली है। आम आदमी को 20-20 साल तक इंसाफ नहीं मिलता है, इस डेमोक्रेसी ने उन्हें कुछ नहीं दिया। और ये चुनाव आयोग हर 5 साल के बाद हमें भरमाता है कि वोट देना ही लोकतंत्र का महान काम है, वो सबसे छोटा काम है। बल्कि उसे ये कहना चाहिए कि अगर आपने तैयारी नहीं की है मतदान के पहले, तो आपको मतदान केंद्र पे नहीं जाना चाहिए। मतदान केंद्र इंसानों को भेड़ों की तरह हांक के वहां ले जाने की जगह नहीं है कि आप पिछले चुनाव की 60% के तुलना में इस बार 80% वोट दे आए हैं। अगर आपने किसी सरकार का या विपक्ष का सही तरीके से असेसमेंट नहीं किया है, मूल्यांकन नहीं किया है, तो आप वोट किस तरह से दे रहे हैं। और अगर किसी सरकार के दौर में मीडिया इंडिपेंडेंट नहीं है,
तो आपने उस सरकार का असेसमेंट किस दम पर किया है? इस दम पर कि ह्यूस्टन में लोग जमा किए गए हैं और उसका लाइव कवरेज हो रहा है सुबह से, तो भीड़ रैलियों और राजनीतिक सफलताओं के जरिए आप किसी गवर्नमेंट का मूल्यांकन मत कीजिए। आप देखिए कि आपकी आवाज उठाने की जो जगह है वो मीडिया है, वो सड़क है, और मीडिया के सारे दरवाजे आपके लिए बंद कर दिए गए हैं। और ये सिर्फ हिंदी में नहीं हुआ, हिंदी के अलावा दूसरी भाषाओं में भी हुआ है, हो चुका है। टेलीविज़न को आप देखिए तो जिस तरह का एंकर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, उसी को अगर आप अगर एग्जाम्पल माने तो भारत का लोकतंत्र करीब करीब समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गया है। अगर आप सिर्फ टेलीविज़न चैनल के एंकरों की भाषा को अगर आप एक सैम्पल के तौर पर लें, उसमें डिसेंट के वॉइस को एनिमी लिखा जाता है। आजकल लॉबी लोग लिखने लगा है, कभी वो एंटी नेशनल लिखता है, कभी वो प्रो पाकिस्तानी लिखता है, कभी वो अर्बन नक्सल लिखता है, फिर वो ग्राफिक्स का चार्ट बनाकर आपको समझाता है कि किस तरह से एक अकेला आदमी जो आवाज़ उठा रहा है, जो बुज़ुर्ग दीनहीन सा कोई प्रोफेसर प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहा है, वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है। तो मीडिया ने हमें इस तरह से मूर्ख समझ रखा है, हमें इस मीडिया से लड़ना पड़ेगा। अगर आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र से मोहब्बत करते हैं तो उसके मीडिया से आज आपको लड़ना पड़ेगा। ये बहुत ही मुश्किल स्थिति है, क्योंकि इस मीडिया के लोगों ने बहुत दूर तक हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ी है। अब जब वही बदल गया है तो हम क्या कर सकते हैं? आज आप नहीं लड़ेंगे, लेकिन कल आपको इस मीडिया से सड़क पर उतरकर लड़ना पड़ेगा। अपने घर से अखबारों को उठाकर फेंक देना पड़ेगा और टेलीविज़न चैनलों के सब्सक्रिप्शन को हटा देने पड़ेंगे। आज आपको लगता है कि ये संभव नहीं है, लेकिन कल आपको करना पड़ेगा। बहुत से लोग जो सड़कों पर आ रहे हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो उन्हीं के वोटर हैं प्रधानमंत्री मोदी के, वो घंटों रैलियां कर रहे हैं और उनका कहीं कोई कवरेज नहीं, उनकी कहीं कोई आवाज़ नहीं है। वो अपना व्हाट्सएप मैसेज रिकॉर्ड करते हैं और जो लोग प्रदर्शन में गए हैं वही आपस में शेयर करके उसको वायरल करते रहते हैं। तो लोगों की ये स्थिति हो गई है। इस मीडिया ने आदमी की हालत, सिटीजन की हालत बहुत ख़राब कर दी है। ऐसा नहीं है कि लोगों ने आँख पर चश्मा डाल रखा है और वो गलत चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, वो इसी वक्त में निकल रहे हैं। नौजवान लड़के निकल रहे हैं सड़कों पे, वो ट्विटर पे जाके ट्रेंड करा रहे हैं, लेकिन मीडिया और उसके एडिटर, उसके मालिक ये बता रहे हैं कि ये देश का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हुए हैं हमारे। वो प्रधानमंत्री की तारीफ किसी और तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन वो अवतार बता रहे हैं तारीफ करने के लिए। तो जब भी कोई नेता अवतार के रूप में बताया जाने लगे, और जो बता रहा है सबसे पहले आप उससे सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये चैनल के मालिक इस तरह की भाषा बोल रहे हैं और बोलते चले जा रहे हैं। तो अगर हम एक नागरिक के रूप में सख्ती नहीं बरतेंगे, लोकतंत्र में एक चीज़ समझनी चाहिए कि जाकर वोटिंग देना और यूं फोटो खिंचाना ये सबसे वल्गर फॉर्म है उसका। आपको पता है इस बात का, ये हमारे चैनल के भी लोग करते हैं। सेल्फी खिंचाइए वोटिंग फिंगर के साथ। हम एक जिम्मेदार का काम करने गए हैं, जिम्मेदारी का काम करने गए हैं, एक फैसला करने गए हैं कि कौन सरकार बनाएगा। आप कह रहे हैं कि बस यही है आज के दिन का महत्व कि फोटो खिंचाइए और एक सेल्फी लेकर हमें भेज दीजिए, हम ट्विटर पर डालेंगे। ये चुनाव आयोग भी सिखा रहा है आपको। खैर, उनका मैंडेट दूसरा है, उनका मैंडेट है अरेंजमेंट करना। लेकिन आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि 80% मतदान का हो जाना लोकतंत्र का हो जाना है। लोकतंत्र का असली काम मतदान केंद्र से लौट के आने के बाद होता है कि आपने जिसको वोट दिया है वो सही काम कर रहा है कि नहीं। और इस असेसमेंट में आप ये ध्यान रखिए कि भाई लीडर को वोट तो हमने दिया है, ये मीडिया क्यों नाच रहा है लीडर के आगे पीछे? ये मोदी के जो समर्थक हैं वही परेशान है इस मीडिया से कि इसका क्या करें। अब
सारे नौजवान जो मोदी जी को बढ़ चढ़ कर वोट देते हैं वही परेशान है कि उनकी आवाज़ कोई नहीं दिखाता है। मोदी जी को मोदी जी बना रहे हैं ये नौजवान, लेकिन जब ये नौजवान उनसे कोई बात अपनी पहुंचाना चाहते हैं तो ये मीडिया उनके बीच में दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। तो हिंदुस्तान का मीडिया, इस वक्त का जो मीडिया है, वो भारत के लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि क्या आप रोज शाम को भारत के लोकतंत्र की हत्या होते देना चाहते हैं। इसका बड़ा भयानक असर पड़ रहा है समाज में। सूचनाओं को, इंफॉर्मेशन को गायब कर दिया गया है और बड़ी बड़ी बातें कर दी जा रही हैं। उन्होंने कहीं भाषण दिया है कि कश्मीर के लोगों को गले लगा लेना है। भाई कहाँ जाएं गले लगाने के लिए? एक एमपी को जाना होता तो सुप्रीम कोर्ट से वीज़ा ले रहा है, फिर सुप्रीम कोर्ट बता रहा है कि तुम जाओगे, जो तीन बार का चीफ मिनिस्टर रहे या दो बार का, एक बार का चीफ मिनिस्टर रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद, भाई आप जाएंगे तो दाएं बाएं मत कीजिएगा, चार लोग मिलेंगे तो रैली मत कीजिएगा, जाके चले आइए। तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि कल को गुलाम नबी आज़ाद चले जाएं और 5000 लोगों को गले लगाने लगें तो पता चला कोर्ट ही जेल में बंद कर दे कि आप तो पॉलिटिकल काम कर रहे थे। उनको बोलना पड़ेगा जी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कश्मीर के लोगों को गले लगाना है। तो जाने का कुछ है नहीं, तो गले कहाँ लगाएंगे, किसको लगाएंगे गले? पहले कश्मीर के तो लोग आपस में गले लगा लें, अपने माँ बाप बच्चों से बात तो कर लें, वो तो है नहीं। फिर उन्होंने कहा हम 370 को लेके 370 जगह सभाएं करेंगे। अच्छी बात है, आप कीजिए। आप भुवनेश्वर में कर रहे हैं, पटना में कर रहे हैं, सोपोर में कर ही नहीं रहे हैं आप। आपने जब गले लगाने की बात कही तो सारे मंत्रियों को सबसे पहले कश्मीर के गांव गांव में जाके गले लगाना चाहिए था ना लोगों को। वो तो भुवनेश्वर में क्या कर रहे हैं, वहां के तो आधे लोगों ने ट्रक पे कश्मीर के बारे में पढ़ के जाना होगा या वो गदर फिल्म देखी होगी। बिहार में क्या कर रहे हैं कश्मीर को लेके? इसलिए इरादा उनका वो है कि जो उत्तर भारत है, जिसे मैं व्यथित भारत कहता हूँ, पीड़ित भारत कहता हूँ, जिसको मैं हिंदी प्रदेश कहता हूँ, उसके ऊपर इस तरह के मुद्दे लगातार थोपे जा रहे हैं ताकि हिंदी प्रदेश का नौजवान जो है या उसके माँ बाप जो हैं या उसका जो समाज है कभी उससे बाहर नहीं निकल सके। ये सब हिंदी प्रदेश की आकांक्षाओं को, एस्पिरेशंस को ख़त्म करने के लिए किया जा रहा है। अभी अक्टूबर से राम मंदिर का ड्रामा चलेगा, टीवी पे शुरू हो चुका है, रोज टीवी पे उसको लेके डिबेट होता रहता है, रोज चल रहा है डिबेट। तो क्या फैसला किया है मीडिया ने? क्या वो तब तक कोशिश करेगा कि हिंदू और मुसलमान दोनों आमने सामने खड़े हो जाएं? जला देना चाहता है इस देश को और आप जल जाना चाहते हैं। इसलिए ये सारा कुछ हिंदी प्रदेश के लिए किया गया, समझिए इस बात को। वरना 370 को लेकर अगर सभा करनी थी तो सबसे पहले श्रीनगर में करते, किश्तवाड़ में जाके कर लेते, बाबा अमरनाथ के साय में कर लेते, वैष्णो देवी की, माता वैष्णो देवी के साय में कर लेते, पर वहां नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको बता रहे हैं हमें कश्मीर के लोगों को गले लगाना है और कश्मीर को स्वर्ग बनाना है। आप कमाल है, आज आप स्वर्ग बना रहे हैं, कल कहेंगे हम राम भी बना देंगे, हम विष्णु भी बना देंगे, हम ब्रह्मा भी बना देंगे, स्वर्ग की रचना आप कर देंगे, आप कमाल है। तो ये यूपी बिहार को भी स्वर्ग बना दीजिए, कम से कम सेमी स्वर्ग बना दीजिए, इफ नॉट फुल स्वर्ग। प्लीज मेक माई यूपी एंड बिहार टू अ सेमी स्वर्ग, एटलीस्ट गिव अस अ नाइस 2-3 यूनिवर्सिटीज वेयर वी कैन रीड, where we can study, where our youths can flourish, they get new kind of ideas, boldness. Give us a good hospital in UP and Bihar so that they don't have to travel so far to reach Delhi AIMS. They are being looted, and these students who do not understand, who easily understand one thing, how to hate Muslims and how to become do Hindu-Muslim debate. But they have to understand one day that
their life is being fixed by this kind of politics. वो यूपी बिहार को नरक बनाने के लिए कश्मीर को स्वर्ग बनाने का सपना यूपी बिहार में बांट रहे हैं. इसलिए वो 370 रैली की जगह में उत्तर भारत की जगह जाता है, घाटी में नहीं है. मुझे नहीं मालूम वहाँ कौन जाने वाला है, लेकिन पटना में राजनाथ सिंह जी क्या कर रहे हैं, कहीं भी जा सकते हैं, मेरे गांव भी जा सकते हैं रैली करने के लिए. लेकिन आप 370 क्यों हटाए हैं, जिनके लिए हटाए हैं उनको तो जाके बताइए, वो आप नहीं कर रहे हैं. तो इसलिए इस चुप्पी को आप समझिए. एक पार्टी का अध्यक्ष बोल रहा है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर हम बालाकोट जैसी स्ट्राइक करेंगे. यही बात हिंदी प्रदेश के नौजवानों को समझानी है कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी को कितनी आसानी से पाकिस्तान कह दिया जाता है. क्या मजाक है? अमीर लोगों ने तो अपने बच्चे अमेरिका के यूनिवर्सिटीज में भेज दिए, तुम्हारे लिए तो कोई यूनिवर्सिटी नहीं बची है. दिलीप घोष का बयान छपा है कि वो जाधवपुर यूनिवर्सिटी में वो बालाकोट जैसा स्ट्राइक कर देंगे. जिस देश में यूनिवर्सिटी को लेकर इस तरह की बातें कही जा रही हैं, वो देश कभी स्वर्ग नहीं हो सकता है. आप कश्मीर की चिंता छोड़ दो. कश्मीर जो स्वर्ग हुआ है, जिसे स्वर्ग कहा जाता था, वो इसलिए कहा जाता था कि प्रकृति ने उसे खूबसूरती बरती है. आप पहाड़ नहीं पैदा कर सकते, आप दिलों को जोड़ लीजिए. ये काम कर सकते हैं, कर सकते हैं तो करके दिखा दीजिए. हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं. पर दाएं बाएं भटकाने वाली बातें मत कीजिए. और इतना डरा हुआ कमज़ोर हिंदी प्रदेशों के जो लोग हैं, उनकी क्या हालत हो गई है, मुझे बहुत दुख होता है उनके लिए. उनको, उनके बच्चों को एक अच्छा स्कूल नहीं मिला, एक अच्छा कॉलेज नहीं मिला, फिर भाग के बैंक से लोन लेके वो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं. जब पढ़ के आते हैं तो 5,000 की नौकरी मिलती है. फिर कोई सरकार समर्थक उद्योगपति उनको लेक्चर देता है कि ये सब 90% ऑफ इंजीनियर्स आर नॉट एम्प्लॉयबल. वो हिंदी प्रदेश के नौजवान को कभी समझ में नहीं आता कि पैसा तो तुमने पूरा दिया था, नोट देने में तो कमी नहीं की, तो फिर तुम्हें ये अनएम्प्लॉयबल एजुकेशन कैसे मिल गया इस देश में, और उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया. तो ये हो नहीं रहा है. तो ये समझिएगा. मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रहा था कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती है. मनीला में मेरे दोस्तों ने, मेरी वाइफ ने उसको ट्रांसलेट कर दिया था, इसलिए रिहर्स करके पढ़ दिया था. पर बट माय मदर टंग, मेरी मातृभाषा जो है वो भोजपुरी है, हिंदी नहीं है. मैं भोजपुरी का हूँ, हिंदी मैंने अंग्रेज़ी के रिप्लेसमेंट में सीखी थी. दिल्ली पहुंचा तो पता चला अंग्रेजी तो कोई और निकली, तब तक बहुत लेट हो चुका था. और मैं अंग्रेज़ी उस तरह से नहीं सीख पाया कि आप लोगों के बीच आकर जो मैं कहना चाहता हूं वो ठीक ठीक कह सकूं. इसलिए अगर आप मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं माफ़ी चाहूँगा. और भोजपुरी मेरी मातृभाषा है, इसमें कोई बहुत खुश हूँ मैं इससे कि मैं एक जिंदा दिल मेहनत कश लोगों की भाषा समाज से आता हूँ, जो देश के किसी भी हिस्से में जाकर मजदूरी कराते हैं, केरल में भी, कश्मीर में भी. हमारे बिहार के लोग मजदूरी करते हुए मिल जाएंगे और भोजपुरी मिलते बोलते हुए चले आएंगे. तो उस भाषा से आते हैं जो अपनी मजदूरी करने की प्रक्रिया में पूरे देश को अपना समझता है. वो जाता है तो भोजपुरी को थोपने नहीं जाता है. कभी आप नहीं सुनेंगे भोजपुरी वाले को कि सारे देश की भाषा भोजपुरी हो, नहीं बोलता है, क्योंकि वो उसकी फितरत अलग है. इत्तफाकन है, इत्तफाक की बात है, मैं कन्नड़ में भी पैदा हो सकता तो आज मैं आप लोगों की सारी बातें सुनता, दुरीस्वामी जी की सारी बातें सुनता और तालियां मैं भी बजाता. लेकिन क्या कमाल की बात है, आज की शाम कितनी अच्छी है कि 2 साल पुराना ट्रस्ट है,
और 102 साल के इसके अध्यक्ष हैं जिन्होंने मुझे चुना है। आप कर्नाटक वालों के पास क्या है आप नहीं जानते हैं। 102 साल के बुजुर्ग आपके बीच दादाजी सबके मौजूद हैं, आप में जान डालने के लिए, आप में उम्मीद पैदा करने के लिए, जिन्होंने गांधी को देखा है। क्या चीज है आपके पास आप नहीं जानते। मैं तो आज धन्य हो गया आपको देखकर। मैं थोड़ा भाषा पे बोलना चाहता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि ठीक ठीक तरीके से मुझे भारत की दो भाषा आती है, एक भोजपुरी हिंदी और काम चलाऊ उर्दू, और अंग्रेज़ी चूँकि मैं पढ़ता हूँ, पढ़ लेता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो स्कूल के दिनों में, और इस पॉलिटिक्स को आप समझिए कि भाषा से कैसे रिश्ता बनता है। हम जब, और ये आपके साथ भी होता होगा, कन्नड़ वालों के साथ भी होता होगा, तमिल वालों के साथ होता होगा, कि अंग्रेज़ी हमारा क्या कर डालती है। हमारा भाषा से रिश्ता जो बनता है, पहले डर से बना। अंग्रेज़ी सीखनी थी, अब कहाँ से अंग्रेज़ी बोले, वो अंग्रेज़ी के टीचर हिंदी में पढ़ा गई सारी कहानी। तो शेक्सपियर को हमने अंग्रेज़ी में हिंदी में पढ़ा, तो जब बाद में आके अंग्रेज़ी में पढ़ा तो लगा ये कहानी तो कभी पढ़ी नहीं है। तो किसी ने कहा 10th में पढ़ाया गया, मैंने कहा तो हिंदी में पढ़ी थी मैंने, अंग्रेज़ी में तो फील ही नहीं आ रही है। तो हम भाषाओं के साथ कई तरीके से जीते हैं, लेकिन डर गया अंग्रेज़ी से तो छिप गया हिंदी के पास जाकर। तो हिंदी ने मुझे अपना लिया, चलो ठीक है, भोजपुरी से आए हो तो आओ रहो मेरे पास। तो तब मुझे हिंदी लगती थी कि थरथराहट, जो डरना घबराना कहते हैं, उसमें जब पसीना निकलता है तो उस पसीने को पोछती हुई सूती साड़ी लगती थी, जिसे आप अपने हाथ के बीच में रखकर, उंगलियों के बीच में रखकर उसकी मुलायमियत को महसूस कर सकते। मेरी हिंदी वो हिंदी थी, क्योंकि इसे बोलने वाले जिस समाज के लोग आते हैं वो कई मानकों पर पीछे रह गए ज़िंदगी में, तो उन्होंने उस हिंदी को उसी तरह से बांधा, पोछा, लपेटा, कभी गमछा बनाया, कभी पोछा बनाया, कभी साड़ी बनाई। तो उस तरह से हिंदी थी, और उसने बहुत संभाल के रखा कि किसी भाषा से मत डरना और किसी भाषा को मत डराना। ये सूती साड़ी की फितरत है, वो कभी भी ऐंठन में नहीं चलती है कि मैं कुछ खास हूँ। सूती साड़ी की अपनी गरिमा यही होती है कि मैं सामान्य हूँ। तो जब भी किसी को सामान्य होना होने का महसूस होने का मन करता है, वो अपने आप को सूती साड़ी में लपेट लेती है। ये आप किसी से चेक कर सकते हैं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी हिंदी से आप डरें, कोई भी डरे। मैं हमेशा चाहता हूं कि उसे आप जब भी छुएं लगे कि वो आपकी हिंदी है और वो आपके पास आई है, आपसे बात करना चाहती है। जिस तरह से आपने हमारे महान कवियों को, उमापति जी ने दुष्यंत कुमार जी को, कुंवर नारायण जी को आपने कन्नड़ा में सुनाया, यही भाषाओं का संवाद होता है, यही रिलेशन होता है। वो मंच पे चढ़ के बोलने का, एक राष्ट्र एक भाषा, हर चीज़ एक 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 एक, लगता है एक के बाद अब दो नंबर का हिसाब ही इस देश से गायब हो जाएगा। ना तीन बचेंगे, ना चार बचेंगे, ना पाँच बचेंगे, ना छः बचेंगे, ना सात बचेंगे, ना आठ बचेंगे, ना नौ बचेंगे, ना शून्य बचेगा, एक रहेगा सिर्फ, खाली एक। सब चीज़ में एक लिख दीजिए आप। तो वो एक पूरा प्लान है। तो आप देखिए कि वो हिंदी भी कैसी है। वो भोजपुरी की तरह ही है, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करती हुई, कम पैसे पर जीती हुई, झुग्गियों में रहती हुई, बसों में धक्के खाती हुई, अंग्रेज़ी के नाम पर ठुकरा दी गई। इसलिए जब सरकारें हिंदी में काम करती हैं या बोलती हैं तो वो हिंदी पे एहसान नहीं करती हैं, और ना ही हिंदी के लिए कोई अपॉर्चुनिटी अवसर बनाती हैं, बल्कि नेता हिंदी के नाम पर हिंदी के बीच अपने लिए मौके बनाता है। हिंदी को पता है कि नया नया जो नेता आया है शहर में वो पुराने की तरह ही है। उसके कमरे के बाहर नेम प्लेट हिंदी में हो जाने से हिंदी सरकार नहीं हो जाती है।
वो अभी भी गवर्नमेंट है, वन नेशन. आज भी हिंदी प्रदेशों के नौजवानों को हिंदी के नाम पर सेकेंड क्लास स्कूल मिले, कॉलेज मिले, उन्हें नॉलेज से दूर रखा गया और हिंदी की जनता को हिंदी के नाम पर कुछ मिला नहीं. इस कारण करोड़ों की संख्या में हिंदी प्रदेश के नौजवान अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए दूसरे राज्य भागे, दूसरे देश गए, मनीला तक पहुंच गए बिहार के लड़के वहां मेडिकल करने के लिए. क्योंकि जब हिंदी के नाम पर बोलने वाली सरकारों के दफ्तर में वो जाते हैं तो उन्हें वहाँ हिंदी हंटर की तरह नज़र आती है. कलेक्टर अपनी एकड़ में ऐठन में बैठा है, मंत्री अपने ऐठन में बैठा है, और जो आम लोग हैं हिंदी बोलने वाले वो पटना की सड़कों पर, लखनऊ की सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं. जाते हैं अपनी नौकरी मांगने के लिए तो उन्हें धुतकार दिया जाता है, जैसे अंग्रेजी बोलने वाला साहब धुतकारता था. इसलिए मैं कहता हूं कि मेरी हिंदी प्रधानमंत्री की हिंदी नहीं है और गृहमंत्री की भी हिंदी नहीं है. कुर्सी पर बैठते ही हिंदी अंग्रेज़ी की तरह बोलने लगती है. वो हमेशा प्रभाव, इन्फ्लुएंस ना होने की कुंठा से ग्रसित है. उसको कॉम्प्लेक्स है कि हिंदी का प्रभाव क्यों नहीं है, चारों तरफ है, लेकिन फिर भी वो अपने कॉम्प्लेक्स से कभी बाहर नहीं आ सका नेता. तो उसको लगता है कि हिंदी का प्रभाव होना चाहिए, मगर हिंदी का आम आदमी जो है वो हिंदी के प्रभाव से नहीं, वो हिंदी के प्रभाव से नहीं, हिंदी के अभाव से जूझ रहा है. तो हिंदी का अभाव क्या है? यही कि हिंदी में कोई अवसर नहीं, कोई अच्छा स्कूल नहीं है. अब मैं कह दूंगा शिवराज सिंह चौहान जी को कि आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे हिंदी यूनिवर्सिटी बनाई, उसकी हालत इतनी ख़राब क्यों है? बुरा मान जाएंगे, इंग्लिश बोलने लगेंगे फिर. तो मैं नहीं चाहता हूँ. भोपाल में पता कीजिएगा, मैं आ रहा हूँ उस पर. थोड़ा सा मुझे, अब आप लोगों ने इतनी देर बैठा तो 5 मिनट और सुनिए. तो हिंदी का आम आदमी हिंदी के प्रभाव से नहीं, हिंदी में अभाव से जूझ रहा है. भाषा में नॉलेज का जो संसार है, ज्ञान का संसार का अभाव उसे और गरीब बना रहा है, वो गरीब हो गया है. हिंदी प्रदेश का नौजवान हिंदी से भागता फिर रहा है. हिंदी के नाम पर ललकारने वाले, आपको चैलेंज करने वाले नेता नहीं बताते हैं कि क्यों UPSC में हिंदी भाषी छात्रों की संख्या कम होने लगी है. बेसिक सवाल पूछ दो तो हिंदी में टेलीविजन में हिंदी चैनल, हिंदी पे को लेकर जो डिबेट हो रहा है कल ही बंद हो जाएंगे. किसी ने नहीं पूछा कि बताओ फिर कि हिंदी बोलने वाले UPSC में IAS बनने वालों की संख्या क्यों कम हो गई? नहीं बताएंगे, लेकिन दक्षिण को डराएंगे. और जब दक्षिण ने डरने से इनकार कर दिया तो सफाई देने लगे, नहीं नहीं आप कोई भी भाषा रख लीजिए, तो बोले ही क्यों पहले आप, नहीं बोलना था आपको. जब भाषा की बात समझ में नहीं आती तो नहीं बोलना था ना, जो बात आप समझ में आती है वही बात बोलिए फिर. तो हिंदी के नाम पर ललकार पैदा कर रहे, जिन प्रदेशों में 15 साल तक राज करते रहे, मैं BJP के लिए भी कह रहा हूँ, कांग्रेस ने भी खराब किया पूरे उन इलाकों में एजुकेशन सिस्टम को, पब्लिक सिस्टम को, और BJP ने जहाँ 15 साल राज किया वहाँ भी वो हिंदी के लिए क्या गुजर गए वो कुछ बता नहीं सकते हैं. वहाँ हिंदी कितनी बेहतर हुई और हिंदी के नाम पर खोली गई यूनिवर्सिटी क्यों थर्ड क्लास है? साउथ और पूरब, दक्षिण और पूरब को हिंदी के नाम पर धमकाने से अच्छा है कि सरकार बताए कि उसने हिंदी के लिए इन 5 सालों में क्या किया और अपने राज्यों में 15 सालों में क्या किया, जिससे हिंदी बोलने वाली जनता हिंदी में अपने आप को एक्सपेंड कर सके, विस्तार कर सके. तो वो ठगी जा रही है. तो हो सकता है कि आपके कन्नड़ में भी यही हाल हो कि शिमोगा में या अन्य धारवाड़ में जो कॉलेजेस हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, उनकी स्थिति हिंदी की तरह ही ख़राब हो. तो हमें पहले सिस्टम की भाषा ठीक करनी है, फिर अपनी अपनी भाषा की लड़ाई लड़ेंगे. हम सब अपनी अपनी भाषा में डेमोक्रेसी, अपने एस्पिरेशन सब हार चुके हैं, हारे हुए लोग हैं. तो चंद लोगों के प्रभाव की महत्वाकांक्षा से ज़्यादा ज़रूरी है अभाव पर बात करना. उनकी हिंदी में, जो लोग हिंदी की बात कर रहे हैं, बहुत झूठ है, बहुत हिंसा है. आप गांधी जी को हिंदी बोलते हुए कभी सुनिए, कोई नाटकीयता नहीं है. लगा कितना साधारण आदमी है वो. अपनी भाषा में जितना आप साधारण होंगे वो भाषा उतनी ही आपकी जुबान से सुंदर और महान बनकर निकलेगी.
आप उस भाषा से अहंकार मत झाड़िए, किसी को कम बताने के लिए भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए जो कई लोग अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं। हाउडी, हाउ डू यू डू बेंगलुरु। तो मैं ऐसे लोगों की हिंदी से दूर रहता हूं, आप भी दूर रहिए। उस हिंदी के करीब रहता हूं जो केदारनाथ सिंह की हिंदी है, जो कुंवर नारायण की हिंदी है, बाबा नागार्जुन की हिंदी है, राही मासूम रजा की हिंदी है, निर्मल वर्मा की हिंदी है, कृष्णा सोबती की हिंदी है, महादेवी वर्मा की हिंदी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की हिंदी है। इनकी हिंदी में हिंदी आपको रुई के फाहे की तरह नजर आएगी। हुक्मरानों की हिंदी उनकी जुबान से उतरते ही लाठी हो जाती है। चलो चलो, सबको हिंदी बोलना है, अदरवाइज इंडिया एक नहीं होगा। तो केदारनाथ सिंह की एक कविता है, उम्मीद करता हूं कि आप तक पहुंचेगी। मेरा अनुरोध है भरे चौराहे पर करबद्ध अनुरोध, माई आई एम प्लीडिंग, द पोएट इज सेइंग दैट आई एम प्लीडिंग, भरे चौराहे पे करबद्ध हाथ जोड़कर अनुरोध कि राज नहीं भाषा, वो राज और राजभाषा में से राज को अलग करते हैं, कि राज नहीं भाषा, भाषा भाषा सिर्फ भाषा रहने दो मेरी भाषा को, इसमें भरा है पास पड़ोस और दूर दराज की इतनी आवाजों का बूंद बूंद अर्क कि मैं जब भी इसे बोलता हूं तो कहीं गहरे अरबी तुर्की बांग्ला तेलुगु यहां तक कि एक पत्ती के हिलने की आवाज भी, सब बोलता हूं जरा जरा जब बोलता हूं हिंदी। तो केदारनाथ सिंह की हिंदी में एक राष्ट्र एक भाषा नहीं है, केदारनाथ सिंह की हिंदी में पूरा संसार है, बांग्ला तमिल अरबी सब है। तो जो लोग हिंदी के नाम पर एकता की बात करते हैं उन्हें एक चीज याद दिलाना चाहता हूं, हमारा भारत हिंदी के आने से बहुत पहले का है। जब हिंदी नहीं आई थी तब से भारत है, पाली ब्राह्मणी ये सब हिंदी तो नहीं थे। तो चारों कोनों से भारत की अलग अलग भाषाओं ने भारत को भारत बनाया और हजारों साल तक भारत की कल्पना बगैर किसी एक भाषा या बगैर हिंदी के साकार होती रही। हुई कि नहीं हुई? हम कब से हिंदी की बात कर रहे हैं, 200 साल से, 1881 के आसपास जब फारसी की जगह हिंदी का इस्तेमाल होना शुरू हुआ तब से ही बात कर रहे हैं। उसके पहले तो हिंदुस्तान था, दक्षिण था, पूरब था, कहाँ कहाँ नहीं था। तो कितनी बोलियाँ थी, कितनी भाषाएँ थीं। तो एक कई सारे आज भारत को एक भाषा की क्यों ज़रूरत पड़ी? तो भारत का जो वजूद है वो हिंदी के वजूद में आने से बहुत पहले का है और हिंदी के भीतर की जो बोलियाँ हैं उनका क्या होगा, राजस्थानी का क्या होगा, मारवाड़ी का क्या होगा, अवधी का क्या होगा, भोजपुरी मैथिली इन सब भाषाओं का क्या होगा, अंगिका का क्या होगा, वो सब थे, वो सब भाषाओं को हमने वो गायब कर दिया। तो देश की एकता की कल्पना करना किसी एक भाषा के जरिए ये इतिहास के बोध को धोखा देना है। संस्कृत और फारसी को भी कभी गुमान था हो रहा होगा कि वो हुकूमत और वर्चस्व की भाषा है, पावर की लैंग्वेज है फारसी या संस्कृत। उनकी आज हालत क्या है आप देख लीजिए। अगर हम सच्चे भाषा प्रेमी हैं तो भारत की भाषाओं को, भाषा को नहीं, उन्हें किसी ऑफिस की जरूरत नहीं है, और बोलियों को बचाना पड़ेगा, उनको जिंदा करना होगा, उनमें नए नए ज्ञान के संसार पैदा करने पड़ेंगे। और भाषा के रूप में कम, लाठी के रूप में उनका इस्तेमाल हम ना करें तो अच्छा है, भाषा के रूप में ज़्यादा करें। हिंदी जानती है कि सत्ता के में जो लोग बैठे हैं वो इसका इस्तेमाल भाषा के रूप में कम लाठी के रूप में ज़्यादा करते हैं। और जब से न्यूज़ चैनल सरकार की भाषा बोलने लगे हैं उनकी हिंदी पर आप गौर कीजिए, कीजिए, धमका रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं,
हिंसा है, चैनलों की हिंदी जो है वो बहुत फ्यूडल हिंदी है, चाहे वो मेल बोल रहा हो हिंदी या फीमेल एंकर बोल रही हो, पर वो हिंदी नहीं है, वो बहुत ही एक्सक्लूड करने वाली भाषा है, हिंदी के ही समाज को अपने से दूर करने वाली भाषा है। अब मैं यहाँ पर अनंत यूआर अनंत मूर्ति जी की एक बात पढ़ना चाहता हूँ। वो लिखते हैं कि भारतवासियों के अनुभव को लिखने वाली बताने वाली भाषा के रूप में हिंदी का विकास होना चाहिए। पूरे भारत की संवेदना को अभिव्यक्त करने की क्षमता हिंदी में आनी चाहिए। हिंदी को भारतीय बनना चाहिए। वो कैसे बनेगी? किंतु ऐसा हो नहीं पा रहा है, ये हिंदी का दुर्भाग्य है। हिंदी के लोग अन्य प्रांतीय भाषा नहीं सीखते, इसलिए हिंदी का विकास नहीं हुआ। बहुत सही बात है। आज ही पढ़ा डेक्कन हेरल्ड में कि बेंगलुरु के टैक्सी वाले वो 5 भाषाएं बोलते हैं। कमाल है कि वो तेलुगु, तमिल, अंग्रेजी, हिंदी, मलयालम, ये 5 भाषाएं यहाँ के बेंगलुरु के टैक्सी वाले बोलते हैं। भाषा के मामले में उन्होंने अपने भीतर कई भाषाओं को, वो एक इंसान के तौर पे कई भाषाओं की कड़ी बन गए हैं, ना कि उन सब को हटाकर एक भाषा थोपी गई है। ये कमाल शानदार कहानी है कि बेंगलुरु के टैक्सी वाले कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा कई बार 7-8 भाषाएं भी वो जानते हैं। तो हिंदी को लेकर इन सब से पूछिए कि जब उत्तर प्रदेश में इसी साल, आप सबको फिर से बता देता हूं कि जब 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आए तो 10,00,000 बच्चे यूपी के हिंदी में फेल हो गए। 10,00,000 बच्चे उस हिंदी को लेकर कितने छुपे होंगे, कितने मेंटल टॉर्चर में होंगे कि किसी को बता नहीं पा रहे होंगे कि वो हिंदी में फेल कर गए। तो जब हमारे नेता हिंदी के नाम पर आपको ललकारें तो समझिएगा कि वो दरअसल हिंदी के लोगों को धूल झोंकना चाहते हैं। कायदे से तो उन्हें हिंदी प्रदेश के लोगों से बात करनी चाहिए थी कि बताओ तुम्हें हिंदी में क्या क्या चाहिए, वो तो दिया नहीं। 2014 में जब सरकार आई तो इसी तरह की नौटंकी संस्कृत को लेकर शुरू हुई, और जब संस्कृत को लेकर शुरू हुई तो अचानक डिबेट होने लगा कि भारत की प्राचीन भाषा का सम्मान गौरव, 2-4 मंत्री आए, वो लिखा हुआ संस्कृत पढ़ गए, किसी को आती भी थी, 1-2-4 श्लोक लगा दिया, पूरे संस्कृत को 2 श्लोक में समेट के रख दिया। अब आप बनारस जाइए, वहाँ संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी है, उसकी बिल्डिंग बहुत अच्छी है, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज जैसी चमकदार लगती है, ऐतिहासिक बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग में, संस्कृत यूनिवर्सिटी में, एक नया काम नहीं हुआ। डीम्ड यूनिवर्सिटी के तौर पर राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान है, उसके कई कैंपस है, वहाँ 50% शिक्षक कॉन्ट्रैक्ट पर पढ़ा रहे हैं। अब जाकर उनकी सैलरी 30,000 से कोई 60,000 या 70,000 हुई है, लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। तो इन्होंने संस्कृत के नाम पे भावुकता पैदा कर संस्कृत के लिए भी कुछ नहीं किया। तो जब ये लोग संस्कृत को धोखा दे सकते हैं तो हिंदी को तो 300% धोखा देंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये हिंदी का सवाल दक्षिण पूर्व और पश्चिम को जोड़ने का सवाल नहीं है। हिंदी का जो पूरा सवाल है वो हिंदी प्रदेशों की वास्तविकता का सवाल है। इसीलिए आप देखें कि संस्कृत को लेकर कुछ हुआ नहीं। हिंदी के नाम पर उनको वोट मिलता रहेगा, वो अलग बात है। तो इस भाषा को हमें समझना है कि हमारी जो भी हम भाषा बोलें उसमें लोकतांत्रिकता कितनी है, लोग कितने हैं, लोगों की बातें कितनी हैं, वो नहीं है, लोग गायब कर दिए जा रहे हैं। तो हमारा जो, जब तक हम अपनी भाषा को लेकर उदार और दूसरे तरीके से नहीं सोचेंगे, उसका निर्माण नहीं करेंगे, उसको जिंदा दिल नहीं बनाएंगे, सिर्फ उस भाषा प्रदेश के 100 सांसदों के दम पर आप सरकार बनाकर आप किसी को धमका नहीं सकते हैं। धमका लीजिए, इस देश में तो मामूली सिपाही भी आपको फर्जी केस में बंद कर देगा, आपके पास तो पूरी सरकार है, आप कुछ भी कर सकते हैं, तो आप कर लीजिए, लेकिन आप कुछ उसके साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। गौरी लंकेश की भी पूरी जिंदगी तो यही कहती है कि वो अंग्रेजी की पत्रकार रहीं, सारा जीवन उन्होंने एक बड़ा हिस्सा अंग्रेजी के लिए दिया, लेकिन उन्हें मुक्ति तब मिली जब वो कनाडा में आईं।
तब वो पत्रकार से लोक हुई, लोक पत्रकार हुई, इसके समाज की भाषा को सीखा और समाज की भाषा में बोलना सीखा। और उन्होंने अपने अपने एक लेख में लिखा है कि वो तीसरी बार कनाडा में पास हुई थी, वो दो बार जब फेल हुई तो बता नहीं पाई घर में। तो ये मैं उत्तर भारत के लोगों को भी बता रहा हूँ। तो उन्हें लगता था कि कनाडा से पीछा छूट गया, चलो यार किसी तरह से हिंदी सबसी में पास करके निकल चलो। लेकिन अपनी भाषा से पीछा छूटता नहीं है, वो बार बार आपको पीछा करते रहती है कि तुम बोलो हमारी भाषा में, खुद के लिए बोलो, वो पीछा नहीं छूटता है। तो उन्होंने, चूंकि उनके नाम पे पुरस्कार मिल रहा है तो उनकी एक बात का जिक्र यहाँ ज़रूरी है। तो एक किताब उनका हिंदी में अनुवाद होकर मुझ तक पहुँचा है, जो चंदन गौड़ा ने संपादित किए गौरी लंकेश के लेखों का। तो वो कह रही हैं कि मेरे पिता का मानना था कि अंग्रेज़ी उच्च शैली वाले भारतीयों की दिखावे की अभिव्यक्ति वाली भाषा है। उन्होंने हमेशा ही मुझसे कहा कि ऐसी भाषा से सही अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती जो भारतीय नहीं हो। जो यू आर अनंत कह रहे हैं कि हिंदी को भारतीय होना पड़ेगा। वो भारतीय कैसे होगी जब उसमें तेलुगु आएगा? यूपी बिहार वाले हम तो एक ही भाषा में टें बोल देते हैं, दूसरी भाषा मुश्किल से सीख पाते हैं। आप बेंगलुरु के टैक्सी वाले से भी मैं नज़र नहीं मिला पाऊंगा जब से ये जान गया हूँ कि वो पांच भाषाएं मिलते हैं, चलो यहाँ से जल्दी जहाज पे बैठो दिल्ली पहुँचो। तो वो कह रही हैं कि ऐसी भाषा से सही अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती जो भारतीय नहीं हो। मैं अब पाती हूँ कि वो एकदम सही थे। लगभग दो दशकों तक अंग्रेजी में ही, 20 साल अंग्रेजी में ही लिखने और सोचने के बाद मुझे लगता है कि कन्नड़ भाषा में लिखने के अवसरों ने मुझे अभिव्यक्ति की आज़ादी प्रदान की है। ये आज़ादी तब बड़ी होती है जब आप लोगों से जुड़ते हैं, और लोगों से जुड़ने का मौका आपको आपकी भाषा देती है। ये जुड़ने का माध्यम है, ना कि लोगों को डराने का है। पर दुख की बात यह है कि एक ऐसे पत्रकार की इस शहर में हत्या कर दी गई। मुझे नहीं मालूम कि यहाँ से बैठकर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अपने आप को चमकदार समझने वाले नौजवान, हाफ पैंट और हाफ टी शर्ट पहन के घूमने वाले नौजवान जो अपने आप को ब्रॉड माइंडेड कहते हैं, वो इस गिल्ट को कैसे जीते होंगे कि उनके शहर में एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुझे नहीं मालूम है, एक पत्रकार का मारा जाना उस लोकतंत्र के पूरे सिस्टम की हत्या है जिसके सहारे आप रोज घर से निकलते हैं, कि आपका इस देश में कोई रखवाला है, कोई सिस्टम है। लेकिन जब एक पत्रकार की हत्या हो जाती है तो भरोसा टूट जाता है कि हम में से कभी भी कहीं भी कोई भी मारा जा सकता है। और जो मारने वालों के साथ खड़े थे उनके साथ जनता खड़ी हो गई। हत्यारों गुंडों का साथ देने वाले इतिहास में बहुत रहे हैं, याद रखिएगा, लेकिन भारी गांधी ही पड़ेंगे मार दिए जाने के बाद भी। वो किसी रात आपको आकर परेशान कर जाएंगे, इसीलिए उससे छुटकारा नहीं मिल रहा है। कल ही बीजेपी के इंदौर के आईटी सेल के किसी नेता ने लिखा कि गोडसे जी की पिस्तौल की नीलामी कराकर देख लीजिए कि वो आतंकवादी थे या देशभक्त थे। तो हम और आप इस लेवल पे पहुंचा दिए गए हैं, ये हमें किस बात की सज़ा दी जा रही है कि जहां कोई 5 करोड़ रुपए में गोडसे जी और गोडसे जी की कोई पिस्तौल खरीद लेगा तो देशभक्त हो जाएंगे, और गांधी की लाठी की कोई कीमत नहीं तो गांधी आतंकवादी हो जाएंगे आपके देश में, और आप इस समाज में सर उठा कर रह पाओगे? रह लेंगे आप? किसके भरोसे? नहीं रह सकते हैं। तो आपका चुप रहना बड़ा भारी पड़ने वाला है सब पे। एक एक दिन की चुप्पी 100-100 साल की सजा आपको देगी, इसलिए चुप मत रहिए। ये जो दिन रात हिंदू मुसलमान चल रहा है, नफरत इसलिए फैलाया जा रहा है कि लोकतांत्रिक होने की जो तर्क शक्ति है, रैशनैलिटी है, वो ख़त्म हो जाए और आप जानवर में बदल जाएं।
इसलिए टीवी चैनलों पे लोग बार बार इंडिया 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 कर रहा है. सब हम इस मुल्क को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं. हम उनमें से अभी तक नहीं हैं जो दूसरे देश का वीज़ा, दूसरे देश की नागरिकता लेकर वहाँ बैठे हुए हैं. हम अभी इधर ही हैं. तो इसका मतलब हम उधर जाने वालों से ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि इसकी कमियों के बावजूद, इसके सिस्टम से सताए जाने के बावजूद भी इसकी हवाओं को अपने सीने से लगा कर रखते हैं. हम अभी ह्यूस्टन नहीं गए हैं, इधर आए हैं बेंगलुरु. तो समझना है, मोहब्बत बहुत ज़रूरी है, सिर्फ मिट्टी से नहीं, उस मिट्टी में रहने वाले इंसानों से भी. आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. आप लोगों ने बहुत ही अच्छा कबीर गाया. जनार्दन जैनी साहब ने, आपने जो आपकी आवाज़ है, मैं समझ तो नहीं सका कि आप क्या गा रहे हैं, लेकिन आपके गाने की पुकार, मुझे लग रहा था कि वो गौरी लंकेश को यहाँ खींच लाई है. इसलिए आप सबकी प्रस्तुति बहुत अच्छी लगी. आप लोग रविवार की शाम को एक पत्रकार के लिए यहाँ जमा हुए हैं. मैं अंग्रेज़ी में नहीं बोल सका, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ. वक्त नहीं मिला, वरना मैं जो बोलता, अब मैं सीख गया हूँ कि मैं उसको ट्रांसलेट करा कर अगली बार आऊँगा तो उसकी कमी पूरी कर लूँगा. इसलिए धीरे धीरे बोला ताकि आप लोग समझ पाएँ, और मुझे माफ़ कीजिएगा. आप सब ने इतना प्यार और सम्मान दिया, मैं इसे ज़िंदगी भर याद रखूँगा. इंदिरा जी, कविता जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. दादाजी, आपका भी. आपसे मिलना बड़ा शानदार अनुभव रहा. प्रोफेसर देवी, आप भाषा के भंडार हैं, भाषाओं के बारे में जानने के लिए. भाषा को लेकर अगर मैंने कोई कमज़ोर चीज़ कही हो तो माफ़ कर दीजिएगा. उमापति जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. आप वाकई शानदार लोग हैं कि आप लोग एक पत्रकार के लिए आए हैं, आप लोग लोकतंत्र के लिए आए हैं. मुझे बहुत अफसोस हो रहा है आज यहाँ आकर कि चार चार पत्रकार निकाल दिए गए और उनके लिए उत्तर भारत में कोई सड़क पर नहीं आया. वो उत्तर भारत कितना धमकी दे सकता है, उसकी ज़मीन पर भारी पड़ जाएंगे ये चार पत्रकारों की नौकरी, उसकी अंतरात्मा पे बोझ की तरह पड़े रहेंगे. वो बेचैन भटकता रहेगा हिंदी प्रदेश, जब तक वो अपनी जड़ताओं से आज़ाद नहीं होगा. वो इसी तरह से छटपटाता मिलेगा आपको. तो जब भी तड़पता हुआ, छटपटाता हुआ हिंदी प्रदेश का कोई नौजवान मिले, मेरी हिंदी मिले, उसे गले लगा लीजिएगा. वो आपकी अच्छी सहेली साबित होगी, इतना बता सकता हूँ. जय हिंद.